वरुण बेवरेज का प्रेजेंट प्राइस 1418 रुपये चल रहा है। यदि हम इसकी वर्क प्रोफाइल की बात करें तो द कंपनी प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट ए वाइड रेंज ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक एंड नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक एंड पैकेज वाटर सोल्ड अंडर द ट्रेडमार्क ओन बाय पेप्सिको। वरुण बेवरेज एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो बोतलें बनाती है और पेय पदार्थ वितरित करती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर दुनिया में पेप्सिको के पेय पदार्थों की दूसरी सबसे बड़ी बोतल की कंपनी है। पेप्सिको ब्रांड एज सोल्ड कंपनीज इंक्लूड पेप्सी, सेवन अप, मरिंडा, ऑरेंज, माउंटेन ड्यू, ट्रिपकानियो जूस एंड मैनी मोर। पेप्सिको के कार्बोनेटेड शीतल पेय जैसे सेवन अप, माउंटेन ड्यू और मरिंडा के अलावा कंपनी ट्रॉपिकिंडा, स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक और एक्वाफाइन ब्रांड का बोतलबंद कंपनी बनाती है। मार्केट कैप है 184,183 करोड़, करेंट प्राइस है 1418 और जो हाई है 1562 है और लो है 633। मार्केट का पीई है 89.6, बुक वैल्यू है 53.4 और डिविडेंड यील्ड जो है 0.09% है। इसका आरओसी की बात करें जो 27.8% है, आरओई है 34.2% और फेस वैल्यू है वो 5 है। यदि हम इसकी चार्ट की बात करें जो अप ट्रेंड आपको दिखाई देगा, हर एक स्टॉक की कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पहलू होती है। यदि हम अरुण बेवरेज की पॉजिटिव पहलू की बात करें तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 46.4 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। अरुण बेवरेज ने पिछले 5 साल में अच्छी प्रॉफिट दी है। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ROE ट्रैक ओवर रिकॉर्ड 3 ईयर्स, ROE 29.8%। पिछले 3 सालों में अरुण बेवरेज ने अच्छे रिटर्न दिया है। कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ इन 21.8% लास्ट 3 ईयर्स। इस कंपनी ने पिछले 10 सालों में अच्छे रिटर्न दिया है। और इसके हम अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव इसका स्टॉक इज ट्रेड 26.1 टाइम इट बुक वैल्यू। कंपनी ने पिछले सालों में 26.1% पर ट्रेड वैल्यू की है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजेशन द इंटरेस्ट को पिछले सालों में अरुण बेवरेज ने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग एज डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स -3.31%। अरुण बेवरेज के जो प्रमोटर्स होल्डिंग्स है वो पिछले 3 सालों में 3.31% के होल्डिंग्स डिक्रीज किए हैं। यदि हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जो स्टार्टिंग में बढ़ रही है और लास्ट में आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे घटना शुरू हो गया है। यदि हम इसकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो आप देखेंगे ये भी स्टार्टिंग में तो बढ़ रही है लेकिन बीच में आप देखेंगे कि ये भी घटना शुरू हो गया है। और नेट प्रॉफिट की बात करें ये भी आपको देखेंगे स्टार्टिंग में बढ़ रही है और लास्ट में देखेंगे कि ये भी घटना शुरू हो गया है लेकिन अब लास्ट में जाकर अपना कवरेज कर लिया। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 सालों में 22% है, 5 सालों में 26% है, 3 साल में 35% है और इसके कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें जो 10 साल में 48% है, 5 साल में 46% है और पिछले 3 सालों में 75% का रिटर्न दिया हुआ है। इसकी कुल लाइबिलिटीज़ की बात करें जो आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा और इसकी अगर हम कुल एसेट्स की बात करें तो वो भी आपको बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो इसका जितना आप देखेंगे जितना इसका लाइबिलिटीज़ है उतना ही इसका एसेट्स भी है। तो जितना लाइबिलिटीज़ है उतना ही इसका एसेट्स भी है जो अच्छी ही बात है। कि कैश फ्लो की बात करें तो आप देखेंगे कुछ साल इसका तो पॉजिटिव है फिर नेगेटिव में आ गया है, फिर आप कुछ साल बाद देखेंगे कि ये पॉजिटिव में है। इसके शेयर होल्डर्स की बात करें तो इसके प्रमोटर्स जो है शेयर होल्डर्स वो 63.09% है और इसके FI में है 26.57%, पब्लिक है 6.75% और DI है 3.59%। आप देखेंगे कि दिसंबर में इसके जो प्रमोटर्स जो अपने प्लेस कर दिया है, अपने गिरवी रख दिया अपने होल्ड शेयर को, तो 0.09% आपको दिसंबर में और सितंबर 2023 में 0.04% फिर से रख दिया है, अपने प्लेस कर दिया है, गिरवी रख दिया है। जून में 0.04%। आप देखेंगे 2022 से लेकर 2023 तक इसने अपने शेयर को 0.0% का शेयर को अपने गिरवी रख दिया है।